हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो उम्मीद है बढ़िया है आप सब, और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के तरीके हम लोग देख रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्लास में एक एग्ज़ाम्पल हमने लिखा था, जिसके अंदर हमने देखा था फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे हम, और हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो चलिए फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम हमारे सेकंड दोस्त से बातचीत कर रहे हैं। CA फाउंडेशन अकाउंट्स में पहला दोस्त हमने बनाया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और दूसरा हमारा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन लास्ट क्लास में हमने जो जो सीखा था, तो इन्वेंट्री का मतलब होता है सिंपल शब्दों में स्टॉक। इन्वेंट्री को वैल्यू करने का हम तरीका देख रहे हैं, जो तरीका हमें कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर ने बताया है। बताइए, क्या आपको याद है कौन सा AS हमें बता रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में? तो सभी को याद है, टक 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 टक, सबका आंसर आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने हमें वैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया है कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। तो हमने देखा था, वैसे तो हमारे पास दो प्राइसेस होते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर आप कोई डिस्काउंट देते हो, तो वो डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आती है, उसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने कहा था, हम कंपैरिजन कौन से दो प्राइसेस में करेंगे, कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। लोअर हम हमेशा क्यों लेते हैं? क्योंकि अकाउंट्स का प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म। NRV का मतलब क्या था? NRV का मतलब था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इनकर्ड नेसेसरीली टू मेक सेल। और वो जो कॉस्ट इनकर्ड नेसेसरीली टू मेक सेल है, उसको हम सिंपल शब्दों में डिस्काउंट कह सकते हैं, सेलिंग एजेंट का कमीशन कह सकते हैं, जो भी खर्चा हमने सामान को बेचने के लिए किया है, उसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर बात आती है कि भाई कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट के बारे में हमने सीखा था, कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब सामान को खरीदने का खर्चा। सामान क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल हो सकता है, या फिर ट्रेडर का फिनिश गुड हो सकता है, सामान को खरीदने का खर्चा। फिर हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब वो खर्चा जो हमने इनकर किया है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। और इनके अलावा भी कोई भी खर्चा हो, तो वो आ जाएगा अदर कॉस्ट के अंदर। अदर कॉस्ट के अंदर बाकी सारे खर्चे आएंगे, लेकिन ये खर्चे हमें कहाँ तक लेने हैं? जब तक कि हमारा स्टॉक हमारी प्रेजेंट लोकेशन तक पहुंच जाता है, वहाँ तक का सारा खर्चा हम लोग लेंगे। लेकिन एक बार लोकेशन पे पहुंच गया, उसके बाद का खर्चा हम इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे।
तो AS2 ने कहा था आप इन्वेंट्री को वैल्यू करो, कैसे करोगे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। उसके बाद हमने एक चीज समझी थी कि वैसे तो इन्वेंट्री चार तरीके की होती है, लेकिन CA फाउंडेशन में हम क्या सीख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल और ट्रेडर का फिनिश गुड। ये दोनों जो चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदेगा और ट्रेडर फिनिश गुड खरीदेगा, ये जो दो टाइप की परचेजेस बिजनेस के अंदर हो रही हैं, क्या ये दोनों परचेजेस हम पूरे साल में एक ही दिन खरीदते हैं, या फिर हम इस सामान को पूरे साल में रेगुलरली खरीदते रहते हैं। तो ये जो सामान हम खरीद रहे हैं, ट्रेडर अपना सामान खरीद रहा है बेचने के लिए, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीद रहा है सामान को बनाने के लिए, ये सामान पूरे साल में एक दिन नहीं खरीदा जाएगा, ये सामान फुल ईयर में कंटिन्यूअसली खरीदा जाएगा। जैसे जैसे सामान खत्म होगा वैसे वैसे हम खरीदते जाएंगे। इस सामान की परचेजेस पूरे साल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स में होंगी। अब क्योंकि हम ये सामान पूरे साल में डिफरेंट डिफरेंट समय पर खरीदते हैं, तो जो प्राइस हमें मिलता है मार्केट के अंदर, वो प्राइस सेम भी हो सकता है, वो प्राइस बदल भी सकता है। मैंने कोई सामान अप्रैल के महीने में खरीदा, वही सामान मैंने सितंबर के महीने में खरीदा, हो सकता है प्राइस सेम मिल जाए या हो सकता है प्राइस उसका डिफरेंट हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सामान खरीद रहे हैं, प्राइस हमारा सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। और जो हमारा सामान है वो कैसा है, ऑर्डिनरली इसके आगे क्या था मैं भूल गई, आप लोग बताओ कैसी थी ये हमारी इन्वेंट्री, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्डिनरली, सभी को याद है, इंटरचेंजेबल। उम्मीद करती हूँ इसका मतलब भी आप सबको याद होगा। ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री कौन सी थी, जो हमारे गोडाउन के अंदर जाकर के आपस में मिक्स हो जाती है, ठीक है। सपोज हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं समोसों की, याद है लास्ट क्लास में, सपोज हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं समोसों की, समोसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल मुझे क्या चाहिए, आलू। उस आलू को जो मुझे खरीदना है, मैं पूरे साल में एक ही दिन नहीं खरीदूंगी, मैं अप्रैल में कुछ केजीज आलू खरीदूंगी, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं फिर से खरीदूंगी, फिर से खरीदूंगी, फिर से खरीदूंगी। इन आलूओं को एक जगह पर रखा जाएगा और इसलिए ये सब आलू आपस में मिक्स हो जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि जो आलू मेरे पास बचे हुए हैं वो मैंने अप्रैल में खरीदे थे वो वाले हैं, या मैंने जून में खरीदे थे वो वाले हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारे के सारे आलू दिखने में एक जैसे हैं, ये आपस में मिक्स हो गए हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। तो क्योंकि मेरी इन्वेंट्री आपस में मिक्स हो जाती है, क्योंकि ये सामान एक जैसा है, तो हमने कहा ईयर एंड में जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक एजम्पशन। एजम्पशन हम क्या ले रहे हैं भाई, मैंने कहा मैं पक्का तो नहीं कह सकती ये आलू कौन से बचे हैं, लेकिन मैंने इतना एफर्ट जरूर डाला होगा, कोई ना कोई तरीका मैंने ज़रूर निकाला होगा कि जो आलू मैंने पहले खरीदे हैं उनको मैं पहले यूज़ करूँगी, और जो मैंने बाद में खरीदे हैं उनको मैं बाद में यूज़ करूँगी।
और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसका मतलब मेरे गोडाउन के अंदर जो सामान पहले आएगा, मेरे गोडाउन से बाहर भी वो सामान पहले ही जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन अगर किसी कंपनी ने कहा कि नहीं नहीं सर, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भाई हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता ये कौन से आलू बचे हुए हैं, ये हमने कब खरीदे थे, तो AS2 ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दूसरा ऑप्शन दे देते हैं। क्या ऑप्शन दे देते हैं? आप एवरेज प्राइस निकाल लो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज से बेटर है। तो आप वेटेड एवरेज निकाल लो, प्राइस निकाल लो, और उस प्राइस पर क्या करना, अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर लेना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने कहा एजम्पशन लेनी है, आप ले लो कौन से आलू आपके पास बचे हुए हैं। या तो आप करो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आलू हमने लास्ट में खरीदे हैं वो बचे हुए हैं, और जो पहले खरीदे थे वो सारे हमने समोसे बनाने में यूज कर लिए, या तो ऐसे कर लो। या दूसरा तरीका, आपने कहा भाई हमें नहीं पता कौन से आलू बचे हैं, पूरे साल में जितने आलू खरीदे थे, जितने प्राइस पे खरीदे थे, सबका निकाल लो एवरेज प्राइस, और उस एवरेज पर वैल्यू कर देंगे हम हमारी इन्वेंट्री को। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिखा था जिसमें हमने देखा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड। अब फर्दर कॉस्ट वैल्यूएशन टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो आपके रजिस्टर में लिखेंगे सेकंड एग्जांपल। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था उसी में अब कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड करके देखते हैं हम इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑलरेडी जो डेटा था वो लिखते हैं, डेट, क्वांटिटी और प्राइस, जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में देखा था कि हमने पूरे साल में डिफरेंट समय पर सामान खरीदा है। उस एग्जांपल में हमारे पास एक महीने की इन्फॉर्मेशन थी जिसके अकॉर्डिंग दिसंबर 4, दिसंबर 10, 11, 19 एंड 28। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप लोग लिख लीजिए, किस दिन हमने कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पर खरीदी। ठीक है, अब हमने जो लास्ट क्लास में एग्जांपल किया था उसमें ये लिखा हुआ था 1600 यूनिट्स वर इशूड। तो भाई पूरे महीने में हमने इतना सामान प्रोडक्शन के लिए इशू किया है, पूरे महीने में हमने इतने आलू समोसे बनाने के लिए यूज़ कर लिए हैं, तो उसको हम बोलते हैं इशूज। तो लास्ट लास्ट में हमने देखा था एक लाइन लिखी हुई है 1600 यूनिट्स वर इशूड। अब उस इन्फॉर्मेशन को बदल रही हूँ मैं, अब हमारे पास डिटेल है किस दिन हमने कितना सामान इशू किया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं डिटेल्स ऑफ इश्यूज। इशू का मतलब क्या था? इशू का मतलब सेल की तरह ही होता है, लेकिन हम जब फिनिश गुड को बेचते हैं तो हम बोलते हैं सेल,
रॉ मटेरियल को हम लोग बेचते नहीं हैं, उससे हम अपना सामान बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं रॉ मटेरियल इशूड। तो डिटेल्स हैं हमारे पास रॉ मटेरियल इशूड की, दिसंबर 5, 5th दिसंबर को इशू की गई है 500 यूनिट्स। किस प्राइस पर इशू है वो क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा मेथड इन्वेंट्री का फॉलो कर रही है। याद है लास्ट क्लास में हमने निकाला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स इशूड, याद है? तो अगर हम फीफो से करेंगे तो डिफरेंट तरीके से चलेगा, वेटेड एवरेज से करेंगे तो डिफरेंट तरीके से चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा किस प्राइस पर इशू हुआ है, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। क्वेश्चन हमें क्वांटिटी बता रहा है, दिसंबर 5 के बाद दिसंबर 20th इशू की गई है 600 यूनिट्स, देन दिसंबर 29 इशू है 500 यूनिट्स। टोटल हमारा आ जाता है अगेन 1600 यूनिट्स। तो लास्ट क्लास में आपको एक लाइन दी थी 1600 यूनिट्स इशूड। इस समय आपके पास डिटेल उस चीज़ की है, किस दिन हमने कितनी यूनिट इशू करी थी। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है लास्ट लाइन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय लीफो एंड फीफो मेथड। फीफो मेथड था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड कह रहा है कि जो सामान आपने लास्ट में खरीदा है वो सामान आप सबसे पहले बेचोगे। आप बताइए क्या ऐसा होता है बिजनेस के अंदर? मतलब लीफो मेथड ये कह रहा है जो आलू आपने जून में खरीदे हैं वो आप पहले यूज करोगे, और जो आलू आपने अप्रैल में खरीदे हैं वो आपने रखे हुए हैं वो आप यूज नहीं कर रहे। आप बताओ ऐसा होता है बिजनेस में? तो निकिता कह रही है मैम होता है, मुस्कान कह रही है मैम नहीं होता, रिशिता कह रही है मैम आलू के साथ नहीं होता। अच्छा आलू के साथ नहीं होता, किसी और चीज़ के साथ हो सकता है। वंशिका कह रही है मार्बल के केस में हो सकता है। महक कह रही है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो देखो भाई लीफो मेथड ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट। दी मेथड सेज कि जो आपने लेटेस्ट सामान खरीदा है ना उसको तो हम मान लेंगे आपने यूज कर लिया, और जो सामान आपने पहले से खरीदा है उसको हम बोलेंगे वो आपने बचा के रखा है। तो देखिए भाई नॉर्मली अगर हम बिजनेस के अंदर बात करें तो क्राइटेरिया तो यही रहेगा कि जो सामान मैं पहले खरीद रही हूँ उसको मैं पहले यूज करती हूँ। और वैसे भी हम लोग नेक्स्ट लॉट का जब ऑर्डर देते हैं तो तभी देते हैं जब पहले वाला लॉट हमारा खत्म होने वाला होता है। तो नॉर्मली तो बिजनेस के अंदर यही रहेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं लेटेस्ट खरीदा हुआ सामान उसको बेच देते हैं और जो पहले का खरीदा हुआ है स्टार्टिंग का उसको अपने पास रखते हैं। तो भाई ऐसा कौन से बिजनेस हैं? ये वो वाले बिजनेस हैं जिनके अंदर सामान की कीमत पुराने से देखी जा रही है, जहां ये देखा जाता है कि सामान जितना ज्यादा पुराना
उतना ही ज्यादा बढ़िया। तो देखिए, शायद आपको पता हो राइस के केस में ऐसे ही होता है, चावल के केस में क्या कहा जाता है, भाई चावल जितना पुराना उतना बढ़िया। तो अब अगर मेरे बिजनेस में कोई ऐसा सामान है जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये जितना पुराना होता है उतना बढ़िया होता है, बढ़िया मतलब क्या, बढ़िया मतलब क्या, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया मतलब इसका प्राइस मार्केट में ज्यादा रहेगा। तो जो सामान ऐसा है वहां पर बिजनेसमैन कह रहा है भाई हम फीफो नहीं लगाएंगे कि जो पहले आया वो पहले चला गया, हम लगाएंगे लीफो, जो लास्ट में आया है वो हमने बेच दिया और जो पहले का सामान है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। हाँ, और आप लोग भर भर के ये आंसर दे रहे हो कि मैम देखो वाइन के केस में, ड्रिंक्स के केस में, अल्कोहल के केस में भी ऐसा होता है। इसमें थोड़ा मेरी नॉलेज कम है, आप लोगों की कितनी है वो मुझे दिख रही है। हाँ, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है, वाइन के केस में भी ऐसा ही होता है। तो वाइन भी हमारा प्रोडक्ट ऐसा ही है कि वाइन जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर बिजनेसमैन एक ऐसे सामान के साथ डील कर रहा है जिसकी मार्केट में वैल्यू तब होती है जितना वो पुराना होता जाता है, तो वो बिजनेसमैन क्या लगाना चाहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन नॉर्मली बाकी सारे बिजनेसमैन क्या लगाना चाहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डिपेंड करता है भाई आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आप फीफो लगाओगे या फिर आप लीफो लगाओगे। फीफो जो पहले आ रहा है वो पहले जाएगा, लीफो जो लास्ट में आ रहा है, जो हमने लेटेस्ट खरीदा है वो हमने बेच दिया और जो हमने पहले से खरीदा हुआ है उसको हमने संभाल के रखा है। क्यों? क्योंकि जितना पुराना होगा उतनी मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो बिजनेसमैन उसको पुराना पुराना करता जा रहा है ताकि वो पुराना हो जाए और फिर वो उसके बाद उसको हायर प्राइस पर सेल करे। तो यानी कि हम देख रहे हैं इन्वेंट्री को वैल्यू हम फीफो से कर सकते हैं, लीफो से कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, सिंपल एवरेज से तो कर ही सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लिखा था फीफो, वेटेड एवरेज। अब हम आगे चलते हैं और हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो लिखिएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय लीफो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय लीफो और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। परपेचुअल इन्वेंट्री मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जब भी हमारे पास इश्यूज की डेट वाइज डिटेल होती है, हमने इस दिन इतना सामान बेचा, उसको हम बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। और जब हमारे पास डेट वाइज डिटेल नहीं होती है, जहाँ पर एक लाइन लिखी होती है कि हमने पूरे महीने में इतना सामान बेचा, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। थोड़ी देर में इसको हम और डिटेल में समझेंगे, तब तक के लिए शॉर्ट में, जहां मुझे क्वेश्चन कहता है पूरे साल में आपने टोटल इतना सामान बेचा, वो है पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, और जहां पर क्वेश्चन कहता है पूरे साल में
इस दिन में आपने इतना इतना सामान बेचा, वो है परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन कहे पूरे साल में हमने 50,000 यूनिट्स बेची, तो बताओ ये कौन सा मेथड है, पीरियोडिक या परपेचुअल? पूरे साल में हमने 50,000 यूनिट बेची, पीरियोडिक या परपेचुअल? तो सबका आंसर सही है, सिर्फ तान्या का आंसर गलत है। तान्या, ये परपेचुअल मेथड नहीं है, ये कौन सा मेथड है, पीरियोडिक। जहां क्वेश्चन कहेगा पूरे साल में इतना सामान बेचा, पीरियोडिक, और जहां क्वेश्चन कहेगा हमने 1 मार्च को 10,000 यूनिट बेची, हमने 27 मई को 20,000 यूनिट बेची, ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेचुअल। ठीक है, तो सबको बात समझ में आ रही है, डिटेल में हम और थोड़ा देर में देखते हैं। फिलहाल हमें इतनी बात समझ में आती है, जहां लिखा पूरे साल में 50,000 यूनिट बेची, तो जल्दी से बताओ कौन सा मेथड है। पूरे साल में इतनी यूनिट हमने बेची, तो कौन सा मेथड है, पीरियोडिक। हमने इस दिन इतना बेचा, इस दिन इतना बेचा, इस दिन इतना बेचा, इस दिन इतना बेचा, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, परपेचुअल इन्वेंट्री। अब बताओ मुझे एग्जांपल नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास डिटेल है, उसे पीरियोडिक कहेंगे या परपेचुअल कहेंगे? तो अंशिका, साक्षी, पुण्य, नितिन, सबको बात समझ में आ रही है, सबका आंसर करेक्ट है। क्या कहेंगे हम, परपेचुअल कहेंगे। तो हम हमारी जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमारी स्टेटमेंट में हमने टॉप पे लिखा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय लीफो अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। अब देखो इसको करना कैसे है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट चलेंगे हम। तब मैंने आपको नहीं बताया था, अब बता रही हूं। लास्ट वाला था पीरियोडिक, क्योंकि उसमें एक लाइन लिखी थी ना, 1600 यूनिट इशूड, और ये वाला है परपेचुअल। थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बदलेगा। फॉर्मेट कैसे बदलेगा, तो हमें टोटल चाहिए 4 कॉलम। 4 कॉलम कौन कौन से, सबसे पहले डेट, एक बार अभी आप बनाना मत, पहले मैं बनाती हूँ फिर आप उसके हिसाब से फॉर्मेट बना लेना। सबसे पहले हमें चाहिए डेट, उसके बाद हम लिखेंगे रिसीट, रिसीट या फिर परचेजेस। कितना सामान हमने खरीदा, उसके बाद हम लिखेंगे इश्यूज, इश्यूज या फिर सेल्स, और लास्ट कॉलम होगा बैलेंस का। अब जहां तक डेट है वो तो सिंपल डेट का कॉलम है, लेकिन आगे वाले हमारे तीनों कॉलम फर्दर 3-3 कॉलम में डिवाइड होंगे। परचेजेस के अंदर हम लिखेंगे क्वांटिटी, रेट या फिर प्राइस और अमाउंट। ऐसी इश्यूज, इश्यूज के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और ऐसे ही हमारा बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, अब आप इसको अपने रजिस्टर में बना लो। अब हमें इतना स्पेस हमें चाहिए, डेट, रिसीट, इश्यूज, बैलेंस, और हर कॉलम को फर्दर 3-3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट।
श्रेया कह रही है मैम रिपीट कर दो पीरियोडिक परपेचुअल, तो श्रेया फिर से सुन लेते हैं। जहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी पूरे साल में इतना सामान बिका उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक। जहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी डेट वाइज, इस दिन इतना सामान बिका, इस दिन इतना सामान बिका, उसको हम बोलेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो जब आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लो तो आप मुझे बता देना, फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको डेट वाइज डिटेल को लिखते जाएंगे। जिस दिन हमने सामान खरीदा, जिस दिन हमने बेचा, मेथड हम इस समय कौन सा फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान में रखना है। मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जो हमने लास्ट में खरीदा है वो हम लोग पहले बेचेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है दिसंबर 4 की। दिसंबर 4 को हमने सामान खरीदा है 900 यूनिट्स 50 रुपीज़ के रेट पर। तो अमाउंट तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, 900 यूनिट्स 50 रुपीज़ के रेट पर यूनिट, तो हमने कहा भाई 45,000 का हमने सामान खरीदा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोल देता कि 1 दिसंबर को हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता कंटिन्यूटी में है और हमारे पास पिछले साल से ओपनिंग बैलेंस आ रहा है या हमारे पास पिछले मंथ से ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, तो फिर हम क्या करते, हम स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस से करते। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो दिसंबर 4 से 900 यूनिट्स खरीदी 50 यूनिट्स के रेट पर, तो 45,000 का अमाउंट। इस दिन क्या हमने कुछ इशू किया, हमने कुछ इशू नहीं किया। और इसी दिन मैं लिखूंगी मेरे पास बैलेंस कितना है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, बैलेंस का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक।
तो दिसंबर 4 को हमारे पास स्टॉक कितना है? तो हमने कहा भाई जितना खरीदा उतना ही है, हमने कुछ तो बेचा नहीं, तो हमने जितना सामान खरीदा था उस दिन स्टॉक हमारे पास उतना ही है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी? सीक्वेंस को ध्यान रखना है, अगर कोई डेट बीच में से छूट गई तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दिसंबर 4 के बाद नेक्स्ट डेट हमारी है दिसंबर 5। दिसंबर 5 को क्या हमने कोई सामान खरीदा? नहीं, लेकिन हमने बेचा है, हमने बेची है 500 यूनिट। सामान हमने कोई नहीं खरीदा, हमने इशू की है 500 यूनिट। तो क्या आप बता सकते हो ये यूनिट मैंने कहाँ से इशू करी होंगी, कौन से वाले लॉट में से? तो आपने कहा मैम ये तो बहुत आसान है, ये तो अभी तो हमने यही तो लॉट खरीदा है बस 900 का, 900 का लॉट हमने खरीदा है तो इसी में से हम इशू करेंगे ना। तो 500 यूनिट हमने इशू करी है 50 रुपीज़ वाली। 500 यूनिट हमने इशू करी है 50 वाली, अमाउंट हो गया हमारा 25,000। और अब मैं आपसे पूछूं बैलेंस कितना है, तो आप क्या कहोगे कि मैम देखो 400 यूनिट बच गई ना, अब कैसे निकाला हमने 400? तो भाई 900 में से मैंने 500 तो इशू कर दी, तो बच गई 400। कौन सी वाली बची? फिर से 50 वाली बची, तो हमारा अमाउंट आ गया 20,000। तो दिसंबर 5 को जो यूनिट्स मैंने बेची हैं वो मैंने कौन सी यूनिट में से बेची हैं जो मैंने दिसंबर 4 को खरीदी थी? अब यहाँ पर लीफो मेथड के अंदर एक मिस्टेक हो सकती है जो मुझे यहाँ पे आंसर माधव ने भी दिया है, वो एक मिस्टेक है, वो गलती का बहुत बड़ा एरिया है। माधव ने मुझे आंसर दिया कि मैम देखो जब हम ये वाली यूनिट इशू करेंगे ना 500, ये हम इशू करेंगे दिसंबर 28 के लॉट में से। और मैं मान के चल रही हूँ कि ये आप में से भी कईयों के माइंड में ये चीज़ आई होगी कि भाई ये जो यूनिट हम इशू करेंगे, क्योंकि मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो एकदम से वो जो माइंड में चलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो माइंड कहते हैं कि यार ये वाली यूनिट तो हम यहां से निकालेंगे ना 28 दिसंबर से। लेकिन लॉजिकली मेरी बात सोच के देखो, जब मैं 5 दिसंबर को सामान बेच रही हूं तो भाई 28 दिसंबर की तो तारीख ही नहीं आई अभी तक। आप मुझे बताओ मैं 5 दिसंबर को सामान बेचूंगी तो 28 दिसंबर के लॉट में से कैसे बेच दूंगी? बात समझ में आ रही है? 5 दिसंबर को मैं जो सामान बेचूंगी कहां से बेचूंगी? जो मैंने 5 दिसंबर से पहले खरीदा है उसी में से बेचेंगे ना। 28 दिसंबर का सामान 5 दिसंबर को कैसे बेच दूंगी? मेरे पास सामान है ही नहीं। लेकिन फिर दिमाग क्या कह रहा है, यह लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है ये। तो जब तुम्हारा दिल ऐसी बातें करे ना तो दिल को बोल देना, क्या बोल देना कि दिल संभल जा जरा, फिर गलती करने चला है तू। दिसंबर 28 तो डेट आई नहीं, वो जो आप में से मेजॉरिटी मेरे को यहां रिप्लाई कर रही है कि हाँ मैम 28 दिसंबर तो डेट आई नहीं ना अभी तक, तो उसमें से तो कैसे बेचेंगे? तो इसलिए कहीं भी ये लगे दिसंबर 28 तो ध्यान रखना है दिसंबर 28 नहीं हो सकता, 5th को जो सामान बेच रहे हैं 5th से पहले वाले लॉट में से बेचेंगे। तो फिर दिमाग कह रहा है लास्ट का मतलब क्या हुआ यार, अभी देख लेते हैं लास्ट का मतलब, थोड़ा सा और आगे चलते अभी समझ में आ जाएगा कि भाई लास्ट का फिर मतलब क्या था।
तो दिसंबर 5 को हमने सामान बेच दिया, दिसंबर 5 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है दिसंबर 10 को। दिसंबर 10 को हमने 400 यूनिट्स खरीदी 55 के रेट पर, तो अमाउंट है 22,000। हमने कुछ इशू नहीं किया। अब मैं यहाँ पर एंड में लिखूंगी बैलेंस, मेरे पास कितनी यूनिट्स हैं स्टॉक के अंदर, 800, लेकिन अलग अलग लिखेंगे क्योंकि अलग अलग प्राइस पर है। 400 यूनिट बची हुई हैं 50 रुपये वाली, और 400 यूनिट बची हुई हैं 55 रुपये वाली। अब देखो ध्यान से करना, फिर से एक एरिया ऑफ मिस्टेक है। अगर आपने इसको आपस में उल्टा पलटी कर दी ना कि 55 वाली पहले लिख दी 50 वाली बाद में लिख दी, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सीक्वेंस यहाँ किसी कीमत पे नहीं बदल सकते। पहले मेरे पास 400 यूनिट 50 रुपये वाली हैं, लॉजिकल सी बात है, और उसके बाद मैंने खरीदी है 400 यूनिट 55 रुपये वाली। तो इसमें खास ध्यान रखना, ज़बरदस्त एरिया ऑफ मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है। छोटी सी ये गलती अगर हो गई और क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का आएगा या 10 नंबर का आएगा पेपर के अंदर, तो बेकार में हमारे मार्क्स सारे के सारे चले जाएंगे। इसलिए क्या करना है, जिस सीक्वेंस में सामान खरीदा गया है उसी सीक्वेंस में हम बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास बची हुई हैं 400 यूनिट 50 वाली और 400 यूनिट 55 वाली। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट डेट। फिर से मैंने सामान खरीदा, बेचा कुछ नहीं, दिसंबर 11 हमने खरीदी 300 यूनिट्स 55 रुपीज के रेट पे, 16,500। तुम लोग साथ में कैलकुलेट कर रहे हो या सिर्फ कॉपी कर रहे हो अमाउंट, या अपना कैलकुलेट कर रहे हो? सामान हमने खरीदा, बेचा हमने इस दिन कुछ नहीं। फिर से आ गई बैलेंस की रेट। तो इस समय मेरे पास कितना सामान बचा हुआ है, 3 लॉट हमारे पास इस समय बचे हुए हैं, 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55, और हमारे पास आ गई 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55। आपके मन में उठ रहा है प्यारा सा प्रश्न कि क्या मैम हम इसको 400 को और 300 को कंबाइन कर दें? बिल्कुल भी नहीं। इवन अगर प्राइस सेम है, लॉट्स आपको कंबाइन नहीं करने हैं, अलग अलग हम शो करेंगे। तो 450 वाला लॉट अलग, 455 वाला लॉट अलग, 355 वाला लॉट अलग, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट देखें, तो नेक्स्ट डेट आ रही है दिसंबर 19। फिर से हमने कोई सामान बेचा, कुछ नहीं बेचा। ये अलग ही बिजनेसमैन है, ये बेच नहीं रहा, ये सामान खरीदता ही जा रहा है। खरीद लेते हैं कोई बात नहीं। दिसंबर 19 को इसने फिर से सामान खरीदा 200 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 60 रुपीज। क्या हमने सामान बेचा? हमने सामान तो कोई नहीं बेचा। फिर से निकालना है बैलेंस। तो इस समय मेरे पास मेरे गोडाउन के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के लॉट घूम रहे हैं, लेकिन मिक्स वो हो चुके हैं आपस में, इन्वेंट्री है ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। लेकिन मेरे पास इस समय 400 यूनिट्स 50 वाली, 455 वाली,
फिर 355 वाली, और फिर 260 वाली। तो ये हमारे पास चार लॉट्स इस समय हैं। ठीक है तानिया, चार स्लॉट्स नहीं, चार लॉट्स हैं बेटा। ये स्लॉट तो हमारा टाइम का स्लॉट होता है, लॉट जिसके अंदर हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट हमारी आ गई दिसंबर 20th। 20th को फाइनली जाके सामान हमने बेचा, हमने खरीदा कुछ नहीं। बिजनेसमैन ने सेल किया है 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स। अब देखो यहां पर अब काम करना है मेथड को फॉलो करते हुए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब मैं दिसंबर 20th को जब मैं सामान बेच रही हूं, तो मैं कौन से लॉट में से बेचूंगी? सबसे पहली बात, दिसंबर 28 नहीं, इस दिन मेरे पास जितने लॉट हैं मैं उसमें से सामान बेचूंगी। तो अगर मैं एक बार इसकी नंबरिंग कर दूं, ठीक है, मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट, तो मैंने इसकी नंबरिंग कर दी कि भाई चार लॉट जो हैं वो हमारे पास इस समय हैं। अब आप मुझे आंसर दो कि ये जो हम 600 यूनिट बेचेंगे, ये हम कैसे कैसे बेचें? अगर आपको लगता है पहले फोर्थ लॉट, फिर थर्ड लॉट, फिर सेकंड लॉट, तो आपका आंसर होगा 4, 3, 2। अगर आपको लगता है फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3। बताओ आंसर। मेरा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, तुम्हारे आंसर आने शुरू हो जाते हैं, इतना फास्ट चलते हो तुम लोग, मतलब कमाल है, सच में कमाल है। और सबका आंसर मेरे पास एक ही आ रहा है, फलक, हार्दिक, अनन्या, निकिता, 4, 3, 2। यानी कि आप कह रहे हो कि मैम देखो सबसे पहले हम ये वाला लॉट यूज़ करेंगे, फिर हम ये वाला यूज़ करेंगे, फिर भी कम पड़ता है हम ये वाला यूज़ करेंगे, सेकंड, फिर भी कम पड़ता है हम फर्स्ट लॉट यूज़ करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है मैं जिस दिन सामान बेच रही हूं उससे पहले मेरे पास जितने लॉट्स हैं, हमारे इस एग्जांपल में चार लॉट हैं मेरे पास, तो मेरे पास जितने लॉट हैं उसमें से जो लेटेस्ट परचेज्ड लॉट है उसको हम सबसे पहले बेचेंगे। यानी कि मुझे बेचनी है 600 यूनिट, दिसंबर 20th की सेल है, कैसे बेचेंगे? सबसे पहले बेचेंगे हम 200 यूनिट, कौन सी वाली? 60 वाली। उसके बाद हम बेचेंगे 300 यूनिट, कौन सी वाली? 55 वाली। 500 हो गई ना, 600 बेचनी है, तो उसके बाद बेचेंगे हम 100 यूनिट्स, कौन सी वाली? 55 वाली। इसको आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस चेंज, मार्क्स कट, ठीक है, इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है। पहले हम 200 बेचेंगे 60 वाली, फिर हम 300 बेचेंगे 55 वाली, फिर हम 100 बेचेंगे 55 वाली, और अब उतना ही ध्यान से बैलेंस लिखना कि अब क्योंकि मैंने इतनी यूनिट बेच दी है तो मेरे पास बचा क्या क्या है। तो देखो फर्स्ट लॉट पूरा बच गया है 400 यूनिट्स 50 रुपीज वाली, और सेकंड लॉट में से मेरे पास बच गई है 300 यूनिट्स 55 रुपीज वाली। तो ये हमारी सबसे ज्यादा क्रूशियल, इंपॉर्टेंट और खतरनाक डेट है दिसंबर 20th।
क्रूशियल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी में समझ में आएगा, खतरनाक एरिया ऑफ मिस्टेक बहुत बड़ा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बहुत 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 ध्यान से चलना है। मैंने 600 यूनिट बेची, सबसे पहले फोर्थ लॉट कंज्यूम करेंगे, फिर थर्ड लॉट कंज्यूम करेंगे, फिर सेकेंड लॉट कंज्यूम करेंगे और लास्ट में फर्स्ट लॉट। इशू करने के बाद जब आप बैलेंस लिखोगे, बैलेंस कैसे लिखोगे, पहले फर्स्ट लॉट लिखना है उसके बाद सेकेंड लॉट, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट क्वांटिटी और रेट होगा, इसके हम अब अमाउंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक कोई डाउट है तो पहले आप वो पूछ लो, यहां तक अगर कोई डाउट हो। अगर लिख के नहीं पूछ पाओ तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, आप मुझे बता देना, और अगर लिख कर पूछो तो सबसे बढ़िया है। यहां तक पहले अगर कोई डाउट है तो उसको आप पूछ लो और आराम से एक बार देख लो दिसंबर 20th की डेट। आर्यन आपने क्या लिखा है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे क्लियर नहीं है। रिशिता क्या, रिशिता पूछ रही है क्या हम एग्जाम में भी फीफो लीफो लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, फीफो लीफो स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, आप पेपर के अंदर भी शॉर्ट में लिखेंगे फीफो और लीफो। हाँ जी दीदी आपकी क्वेरी का आंसर येस है, परचेज डेट हमें हमेशा दोनों ही टाइप के सिस्टम्स में गिवन होंगी, चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, परचेज की डेट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ मुस्कान का डाउट रेलेवेंट है, मुस्कान पूछ रही है मैम अगर ऐसा हो जाए कि सेम डे हमें परचेज भी गिवन हो और सेम डे इशू भी। वैसे तो देखो सीए फाउंडेशन के लेवल पे आपसे कभी इतना पूछ ही नहीं रहे हैं, आईसीआई पूछ ही नहीं रहा आपसे इस लेवल तक, फिर भी परचेज भी गिवन हो और इशू भी गिवन हो तो आप परचेज को पहले देखो उसके बाद आप इशू को कंसिडर करो, और साथ में हम एक नोट देंगे क्वेश्चन के बाद कि सिंस परचेजेस एंड रिसीट्स सॉरी परचेजेस एंड इश्यूज बोथ आर अकरिंग ऑन द सेम डेट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वी हैव कंसिडर्ड परचेजेस फर्स्ट एंड इश्यूज लेटर। ठीक है, दो ऐसा कभी तक हुआ नहीं है, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, अगर आता है तो पहले परचेज और बाद में इश्यू। हाँ फलक जो आप कह रहे हो वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अब और कोई डाउट नहीं है, तो दिसंबर 20th के बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट डेट जो है हमारी दिसंबर 28। दिसंबर 28 को हमने सामान खरीदा है, खरीद लेते हैं 800 यूनिट्स 47 रुपीस पे। इशू हमने कुछ नहीं किया और फिर देखिए हम हमारा बैलेंस तो तीन लॉट आ गए 400 एट द रेट ऑफ 50, 300 at the rate of 55,
एंड 800 एट द रेट ऑफ 47। फिर उसके बाद हमारी लास्ट डेट दिसंबर 29। हमने सामान कोई नहीं खरीदा, हमने इशू किया है 500 यूनिट्स। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आएगा 500 यूनिट्स हम कौन से लॉट में से इशू करेंगे। तो आप मुझे सिर्फ प्राइस लिखो कि 500 यूनिट कौन से वाला हम इशू कर रहे हैं, कौन से वाला इश्यू कर रहे हैं, 50, 55 या 47। यस करेक्ट, सबका आंसर सही है, 500 यूनिट्स। अब हम कहाँ से इश्यू करेंगे, हमारे लास्ट लॉट में से मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इश्यू करेंगे हम 47 वाले लॉट से। तो 500 यूनिट 47 वाली हमने इश्यू कर दी। अकॉर्डिंगली हमारे पास बैलेंस बच गया 400 यूनिट्स 50 वाली, थ्री हंड्रेड यूनिट्स 55 वाली और 300 यूनिट्स 47 वाली। लीजिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है इस टेबल के बाद लास्ट लाइन लिखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा, बेकार में हमारे कुछ नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन की देखो रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो लास्ट में हम लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स। कैसे पता चला 1000 यूनिट्स हैं, देखो आप बिल्कुल लास्ट में 400 प्लस 300 क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स इज वैल्यूड एट। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, 20000 प्लस 16500 प्लस 14100। तो आप लोग मुझे आंसर दे रहे हो 50600। यस करेक्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स इज वैल्यूड एट ₹50,600। लास्ट में ये लाइन लिखकर आनी है क्योंकि हम टेबल पे नहीं छोड़ सकते। अगर हम टेबल कंप्लीट करके वहीं पे छोड़ देंगे तो देखो हमने आंसर पूरा नहीं करा अपना। तो लास्ट में हम मेंशन करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स इज वैल्यूड एट ₹50,600। लास्ट इन फर्स्ट आउट का एक छोटा सा नज़ारा आपने देख लिया है। तो क्वेश्चन को आराम से कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी मुस्कान, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी मुस्कान पूछिए। मैम मेरे को ये पूछना था कि अगर एक ही सेम डे परचेज हो रही है, वो भी पहले 100 यूनिट्स की, वो कोई और प्राइस है, और फिर 200 यूनिट्स की हो रही है, वो भी अलग प्राइस पे है। एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हो, सेम डे परचेज हो रही है 100 यूनिट्स की? हाँ, और वो डिफरेंट प्राइस पे है, और फिर
उसी दिन परचेज हो रही है 200 यूनिट्स की। ऐसा नहीं होगा मुस्कान, ऐसा नहीं होता है कि हम सेम डे दो लॉट परचेज करें और फिर हम उसको दो डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज करें। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। अब आपने कहा कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर हो जाए, क्वेश्चंस के अंदर भी ये नहीं होगा कि सेम डे परचेज हो रही है और दो डिफरेंट लॉट्स हैं और डिफरेंट प्राइसेस हैं। फिर भी वियर्ड से वियर्ड हमने कहा सपोज क्वेश्चन के अंदर है दो, ऐसा कभी नहीं होता है, तो क्या करो, कुछ नहीं, जो आपका पहला लॉट है उसको पहले ट्रीट करो, दूसरे लॉट को दूसरा ट्रीट करो। जैसे दो डिफरेंट लॉट्स को दो डिफरेंट डेट्स पर हम ट्रीट करते हैं, अगर सेम दिन दो लॉट्स हैं तो बस आप उसको ऐसे मान लो कि सेम दिन मॉर्निंग वाला लॉट पहले कंसिडर करेंगे, आफ्टरनून वाला बाद में। ठीक है? हाँ जी मुस्कान, क्या आपका डाउट क्लियर है? अच्छा, मुस्कान अब चैट पर आ गई है कि हाँ जी मैम क्लियर है। ठीक है, और देखिए और किसी को कोई डाउट पूछना है? अभी मैंने आप सबको अनम्यूट किया है, आप चाहें तो बोलकर पूछ सकते हैं, चाहें तो लिखकर। अच्छा, फिर देखिए एक ये डाउट कि हम क्वेश्चन के अंदर हम क्या फॉलो करेंगे, पीरियोडिक या फिर परपेचुअल। हालांकि अभी हमें थोड़ा और डिटेल में देखना है कि पीरियोडिक और परपेचुअल में पूरा डिफरेंस क्या होता है, पर आपने डाउट पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ। सीधा सीधा सा लॉजिकल सिस्टम है, सीधा सीधा लॉजिकल सिस्टम है। अगर मेरे पास इशू की डेट्स अवेलेबल हैं, जिस चीज़ को हम बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम, अगर मेरे पास इशू की डेट्स अवेलेबल हैं, अगर डेट्स अवेलेबल हैं हम परपेचुअल फॉलो करेंगे, क्वेश्चन कुछ कहे या क्वेश्चन कुछ ना कहे। अगर डेट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम पीरियोडिक फॉलो करेंगे, क्वेश्चन कुछ कहे या क्वेश्चन कुछ ना कहे। ठीक है, तो जैसे हमने जो हमने लास्ट क्लास में किया था एग्जाम्पल नंबर 1, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके ऊपर लिख लो, दैट वॉज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, उस पर आप जाओ एग्जाम्पल 1 पे और वहां पर ऊपर टॉप पे ना आप लिखो कि इट इज बाय पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जैसे हमने एग्जाम्पल 2 में लिखा ना इट इज बाय परपेचुअल, तो 1 के अंदर आप लिख कर आओ इट इज बाय पीरियोडिक। तो एग्जाम का सिस्टम क्या है, अगर हमारे पास डेट इशू की गिवन है तो हम फॉलो करेंगे परपेचुअल, और डेट इशू की गिवन नहीं है तो हम फॉलो करेंगे पीरियोडिक। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले, अभी हमें इस क्वेश्चन में हम इसको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फीफो से भी और वेटेड एवरेज से भी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल में पहले देख लेते हैं परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक। परपेचुअल और पीरियोडिक, ये जो अब दो शब्द आ गए हमारे पास, क्योंकि हम तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक सीख रहे थे, ये टेक्निक चल रही थी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के बेसिस पे। एनआरवी का मतलब सिंपल था, हमने देख लिया था। वैसे तो कॉस्ट का मतलब भी सिंपल था, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट, लेकिन क्योंकि हम लोग सामान पूरे साल में बारी बारी खरीदते हैं, इसके चक्कर में हमारे पास कई ऑप्शंस आ गए थे कॉस्ट को कैलकुलेट करने के, जिसमें हमने देखा है फीफो, वेटेड एवरेज और लीफो। तो वैसे तो हम लोग ये कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेकिन अब इसके अंदर दो शब्द और चले आ रहे हैं परपेचुअल और पीरियोडिक। इनको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। अब जो हमारे वो वाले मेथड है ना, जैसे हमने सीखा फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज,
इन तीनों को हम बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम। इन तीनों को बोलते हैं हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम। इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करें, और जो परपेचुअल और पीरियोडिक है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, देखो परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली का क्या मतलब है इसको, और दूसरे शब्दों में कहें तो इट मींस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। मैं आपको डिटेल में तो नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि वो तो लिखवाया हुआ है आपको लेक्चर के अंदर, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप कुछ लिखना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है आफ्टर एवरी परचेज, आफ्टर एवरी सेल हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड इन्वेंट्री। इसका मतलब आफ्टर एवरी परचेज हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, हमारी इन्वेंट्री कितनी है। आफ्टर एवरी सेल या फिर आफ्टर एवरी इशू हम चेक करते हैं हमारी इन्वेंट्री कितनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। तो ये जो हमने सारा का सारा काम अभी अभी करा है, आप देखो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने दिसंबर 4 को सामान खरीदा, हमने चेक किया उसके बाद इन्वेंट्री कितनी है। हमने दिसंबर 5 को सामान बेचा, हमने चेक करा उसके बाद इन्वेंट्री कितनी है। जब हम हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, उसको हम बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल मींस कंटिन्यूटी, परपेचुइटी से शब्द बना है ये, और इसका मतलब है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब बिजनेस में कोई भी परचेज होती है, कोई भी सेल होता है, हम हर मोमेंट के बाद चेक करते हैं हमारी इन्वेंट्री कितनी है। इसके कंट्रास्ट में, इसके ऑपोजिट पीरियोडिक सिस्टम कहता है वी विल चेक आवर इन्वेंट्री। हम देखेंगे हमारी इन्वेंट्री कितनी है ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। ऑन अ पीरियोडिक बेसिस हम पीरियोडिकली चेक करेंगे। परपेचुअल क्या कहता है, हम कंटिन्यूअसली चेक करेंगे। पीरियोडिक कहता है हम पीरियोडिकली चेक कर लेंगे ना। पीरियड आपका कोई भी हो सकता है, पीरियड कंपनी की मर्जी है वो क्या लेगी। पीरियोडिकल मेथड में कंपनी कह सकती है हम हर महीने के एंड में चेक करेंगे कि भाई हमारी इन्वेंट्री कितनी है, या कंपनी कह सकती है हम हर 3 महीने के एंड में चेक करेंगे हमारी इन्वेंट्री कितनी है, वो कंपनी की मर्जी है। आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक करना है कि आपके पास क्या इन्वेंट्री है, या आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेक करना है आपके पास कितनी इन्वेंट्री है। तो अगर आप हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते हो तो आप परपेचुअल सिस्टम फॉलो करते हो, अगर आप पीरियोडिकली चेक करते हो आप पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करते हो। कौन सी कंपनी को कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, तो देखो जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बहुत लार्ज स्केल पे डील कर रही हैं, जो बहुत सारे स्टोर्स आउटलेट्स पर डील कर रही हैं, ऐसे नहीं है सामान एक ही जगह से बिक रहा है,
सामान 10-15-20 डिफरेंट शोरूम से बिक रहा है। ये कंपनीज जो लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं, सामान निकलता जा रहा है, बिकता जा रहा है, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए ये क्या फॉलो करना चाहेंगी? परपेचुअल, भाई हर समय सामान निकले चेक करो बैलेंस कितना है इन्वेंट्री का, पीरियोडिक। जो स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे 20 शोरूम हैं अलग अलग जगहों पे, ऐसा नहीं है। हमारी एक दुकान है, वहां से हम सामान बेचते हैं और कुछ नहीं है हमारा, एक सिंपल दुकान है, वहां से सामान बेचते हैं। उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या प्रॉफिटेबल है, क्या फायदेमंद है? पीरियोडिक सिस्टम। जो लार्ज स्केल पे काम करते हैं, परपेचुअल सिस्टम। लार्ज स्केल पे काम करने को आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरा एक गोडाउन है, उस पर मैंने एक गार्ड को बिठा दिया, उसको मैंने पेपर पेन दे दिया, उसको मैंने क्या कहा, गोडाउन के अंदर जैसे ही सामान कोई आए, तुम चेक कर लेना गोडाउन में टोटल सामान कितना पड़ा है। गोडाउन से जैसे ही सामान कोई निकले तो तुम चेक कर लेना कि सामान इसके बाद कितना बचा है। वो है परपेचुअल, मतलब इट इज काइंड ऑफ कि मैंने अपने गोडाउन पे गार्ड बिठा रखा है, उसको पेन पेपर दे रखा है, सामान अंदर आएगा वो मुझे बताएगा इन्वेंट्री कितनी है, सामान बाहर जाएगा वो मुझे बताएगा इन्वेंट्री कितनी है। किस कंपनी के लिए ये फायदेमंद है? जो लार्ज स्केल पे काम करती हैं। जो स्मॉल स्केल पे काम करती हैं वो फॉलो करेंगी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। भाई सपोज मेरे पास प्रिंट आउट जो हम निकालते हैं, मेरे पास प्रिंटिंग पेजेस हैं, प्रिंटिंग पेजेस के मैंने कुछ लॉट खरीद करके रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? ये मेरी दुकान है, यहीं पर मैंने एक कॉर्नर में रखे हुए हैं। अब अगर मुझे जानना है कभी भी कि मेरे पास प्रिंटिंग पेपर के कितने पैकेट पड़े हैं, तो मैंने कभी यहीं तो पड़े हैं, कभी भी जानना है काउंट कर लो कितने पड़े हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस, एक दुकान है वहीं से रन कर रही हूं, वहीं पे सब सामान पड़ा है, मैंने कहा कभी भी जानना हो कितना सामान पड़ा है, और ये सामने तो पड़ा है, काउंट कर लो कितना पड़ा है। ये क्या है? पीरियोडिक। हमें ऐसे हर रोज लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, जब जरूरत होगी हम काउंट कर लेंगे, ये पड़ा सामान इसको मैं अपने आप देख लूंगी कितना है। परपेचुअल जब हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं। तो अब हमारे जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उन्होंने इसको ऐसे क्लासिफाई कर दिया। अगर हम आपको सारी डिटेल देते हैं, परचेज इतनी, सेल इतनी, परचेज इतनी, सेल इतनी, तो उसको आप समझो परपेचुअल। अगर हम आपको डिटेल सिर्फ देते हैं ये सामान हमने खरीदा है, और लास्ट में हम आपको बोलते हैं इतना सामान हमने बेच दिया, उसको आप समझो पीरियोडिक। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमने पीरियोडिक से किया था लास्ट क्लास में, और उसमें हमने देखा था फीफो और वेटेड एवरेज पीरियोडिक सिस्टम में। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में परपेचुअल सिस्टम में अब हम देखते हैं फीफो और वेटेड एवरेज। उसके बाद आप दोनों को मिलाना तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अच्छा परपेचुअल में हमने ऐसे किया, पीरियोडिक में हमने ऐसे किया। तो इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय फीफो। क्या कर रहे हैं हम? हमारा एग्जाम्पल 2 ही चल रहा है, उसी में हम कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय फीफो। और ये क्या चल रहा है? ये हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, एक बार आप अपने डाउट्स रोक लो, थोड़ा सा वेट करो, एक बार हम इसको करें उसके बाद आप पूछना। तो बाय परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अब क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री है, परपेचुअल इन्वेंट्री जब भी आएगी पूरा चार्ट फिर से बनेगा, डेट, परचेजेस, इश्यूज, बैलेंस। और हमारे इस चार्ट का एक अच्छा सा नाम है
हमारे इस चार्ट का नाम है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक लेजर, और इसके आगे हम लिख देंगे बाय फीफो। आगे क्या करना है, सेम फॉर्मेट बनाना है जो हमने अभी लीफो के लिए बनाया था। ठीक है, तो बना लेते हैं, मैं भी बना लेती हूँ, आप भी बना लो, जब आप बना लो तो आप बता देना। तो स्टॉक लेजर बना के फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। दिसंबर 4 को हमने सामान खरीदा, एक ही परचेजेस है हमारी, खरीदा और हमने बैलेंस लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट लिखते हैं दिसंबर 5। दिसंबर 5 तो बहुत आसान है क्योंकि हमने सामान बेचा है और एक ही लॉट था, तो उसी में से बेचेंगे। तो सामान हमारा बचा कितना, फिर से बहुत आसान है, 400 यूनिट्स 50 के रेट पे। फिर उसके बाद देखो दिसंबर 10, दिसंबर 11, दिसंबर 19, तीनों दिन परचेजेस हो रही हैं, इश्यूज कुछ नहीं हो रहे, तो कुछ नहीं करना, हमें परचेज डालनी है और बैलेंस डालना है, तो डाल लेते हैं आराम से तीनों डेट्स पर।
देखिए दिसंबर 19 तक क्या सभी आ गए हैं? चाहत कह रही है मैम मैंने तो आंसर भी निकाल लिया है। हाँ जी, तो दिसंबर 19 तक सभी आ गए हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 20th को हमने बेचा है सामान 600 यूनिट। 600 यूनिट हम बेच रहे हैं और हमारा जो मेथड चल रहा है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब हम पहले बेचेंगे 400 यूनिट्स 50 वाली और फिर हम बेचेंगे 200 यूनिट्स 55 वाली। यानी कि हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 200 यूनिट्स 55 वाली, 355 वाली, 260 वाली। देखो ऐसे ही आएगा, हमने 600 यूनिट बेच दी तो हमारे पास बचा क्या? 255 वाली, 355 वाली, 260 वाली। इस बार मेथड फीफो है तो फिर हम स्टार्टिंग से लॉट में से बेचेंगे। फिर 20 दिसंबर के बाद फिर दिसंबर 28 आ गई, इसमें हमने सामान खरीदा है। सामान हमने कोई नहीं बेचा तो मेरे पास 200 यूनिट 55 वाली, 355 वाली, 260 वाली और 847 वाली। फिर 28 दिसंबर के बाद दिसंबर 29 हमने सामान सिर्फ बेचा है 500 यूनिट्स। तो सबको बात मोस्टली समझ में आ गई है, 500 हम बेचेंगे तो कहाँ से? पहले 200 यूनिट 55 वाली और फिर 300 यूनिट 55 वाली। यानी कि हमारे पास स्टॉक में बच गई 200 यूनिट 60 वाली और 847 वाली। तो टेबल कंप्लीट करके लास्ट में हमने लाइन लिख दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ। वन थाउजेंड यूनिट्स इज वैल्यूड एट तो आप लोग बता रहे हो 49,600 रुपीस। ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर चल रहा है, सबको एकदम क्लियर है। अब इसके बाद मैं एक चीज आपको करा रही हूं, देखना ध्यान से करना और चेक करना क्या समझ में आ रही है बात या फिर नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं इन एग्जाम्पल नंबर वन, इन एग्जाम्पल नंबर वन कंप्यूट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय लीफो, तो आपके हिसाब से वैल्यू क्या आएगी? कैलकुलेट करो और आप आंसर बताओ। ध्यान से करना, सोच समझ के करना। एग्जाम्पल नंबर वन के अंदर आपको मुझे बताना है लीफो से इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितना रहेगा। जो बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट कीजिए।
आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं और बहुत ही अलग अलग आंसर आ रहे हैं. एक कह रहा है 40,000 तो दूसरा कह रहा है 80,000. तो एक बार आराम से रीचेक कीजिए फिर आंसर दीजिए. हाँ जी, थोड़ा सा जो आपने चेक किया तो आंसर अब सबका एक ही आ गया है और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि उम्मीद से बिल्कुल अलग आपने गलती नहीं करी है और आंसर आपने निकाला है 50,500 रुपीज़. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो जिनका ये आंसर आ गया है वो एक बार दिल खोल के स्माइल करेंगे क्योंकि यहाँ गलती होने के बहुत सारे चांसेस थे और आपने गलती नहीं करी है. और जिनका आंसर ये नहीं आया था वो घबराए नहीं. हम अभी देखते हैं क्या हुआ. एग्जांपल नंबर 1 में जब हमने इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया लीफो से, एग्जांपल नंबर 1 का मतलब है मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी मेरी परचेजेस की. मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी परचेजेस की और इश्यूज के लिए लिखा गया था 1600 यूनिट्स इशूड और ये हमारी टोटल यूनिट्स थी 2600. इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और मुझे चेक करना था इन्वेंट्री. तो सबसे पहले तो हमने देखा था इन्वेंट्री यूनिट्स. तो इन्वेंट्री की यूनिट्स तो हमारी आ गई 1000 यूनिट. 2600 हमने खरीदी थी, 1600 हमने इशू कर दी थी, तो मेरे पास ईयर एंड में बची हैं 1000 यूनिट. 1000 यूनिट को मुझे वैल्यू करना है लीफो से. अब यहाँ पर वो वाली बात आएगी जो आप पहले सोचे थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है ये 1000 यूनिट कहाँ से हमारी बची होंगी. तो ये जो लास्ट वाले लॉट्स हैं ये तो हमने बेच लिए हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट वाले लॉट्स तो मैंने बेच लिए हैं तो मेरे पास बच्चे कौन से हैं स्टार्टिंग के लॉट. यानी कि मेरे पास 900 वाला लॉट पूरा का पूरा बचा हुआ है और 400 वाले लॉट में से 100 मेरे पास बचा हुआ है 55 के रेट पर. तो 900 ये लॉट मेरे पास पूरा है 50 रुपीज़ वाला और अगले लॉट में से मेरे पास 100 यूनिट्स हैं 55 रुपीज़ पर. तो ये हमने वैल्यू करा तो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये हो गया 50,500 रुपीज़ पर. ये वैल्यूएशन मेरा आ रहा है लीफो मेथड से. और ये कौन सा सिस्टम हमारा चल रहा है, ये चल रहा है पीरियोडिक. अब आप आराम से दोनों क्वेश्चंस कंपेयर करो, अब आपको समझ में आएगा पीरियोडिक परपेचुअल क्या है. अब आप देखो फीफो को देखो पीरियोडिक से, फीफो को अब आप देखो पीरियोडिक से. तो देखना फीफो से स्टॉक वैल्यूएशन पीरियोडिक से कितनी आ रही थी. फीफो स्टॉक वैल्यूएशन पीरियोडिक से कितनी आ रही थी. यस करेक्ट, 49,600. और फीफो स्टॉक वैल्यूएशन परपेचुअल से भी कितनी आ रही थी, 49,600. लीफो स्टॉक वैल्यूएशन पीरियोडिक ये हमने अभी निकाला 50,500. लीफो स्टॉक वैल्यूएशन परपेचुअल
थोड़ी देर पहले निकाला था हमने 50,600, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस हो सकता है क्योंकि रिकॉर्डिंग के सिस्टम अलग अलग हैं। एजम्पशन लेकर के हम चल रहे हैं फीफो लीफो, तो अकॉर्डिंगली डिफरेंस आएगा। इसीलिए कंपनी को पीरियोडिक परपेचुअल में से भी एक ही फॉलो करना है और फीफो लीफो वेटेड एवरेज में से भी एक ही फॉलो करना है, ठीक है। अब आप इसको आराम से देखो, मिलाओ और अब आप पूछो आपके डाउट। और मुस्कान, अब आप पूछ लो आपका परपेचुअल पीरियोडिक वाला, आप जो पूछ रहे थे। अब आराम से देखो, दोनों सिस्टम को मिला के देखो, सेम क्वेश्चन को दोनों से देखो। फीफो पीरियोडिक से क्या है, फीफो परपेचुअल से क्या है, लीफो पीरियोडिक से क्या है, लीफो परपेचुअल से क्या है। और इसके बाद हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज परपेचुअल से क्या है। लास्ट क्लास में हमने किया था वेटेड एवरेज पीरियोडिक से क्या है, अब हम करेंगे वेटेड एवरेज परपेचुअल से क्या है। लेकिन वेटेड एवरेज तक जाएं इससे पहले आप लोग फीफो और लीफो देखो, और कोई डाउट हो तो पहले उसको क्लैरिफाई करो। हाँ जी, तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और कुछ सेकंड्स ले लीजिए, चेक कर लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। और ये बहुत अच्छा है कि सभी ये मोस्टली लिख रहे हैं कि मैम क्लियर है सारा, कहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ, और कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमने वेटेड एवरेज का फॉर्मूला भी बना लिया है, ओ सॉरी फॉर्मेट भी बना लिया है, तो अब हम आगे चल सकते हैं। तो चलिए भाई फिर आगे चलते हैं हम। तो दोबारा से ये तो बात आपको समझ में आ गई, परपेचुअल है इसका मतलब स्टॉक लेजर बनेगा, इसका मतलब पूरा बड़ा सा फॉर्मेट बनेगा। तो आगे चलते हैं हम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय वेटेड एवरेज मेथड। और ये कौन सा सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री। और बना लेते हैं हम हमारा स्टॉक लेजर। अगर आपने फॉर्मेट बना लिया हो तो आप प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 1 में रिवाइज कर लीजिएगा कि हमने वेटेड एवरेज कैसे किया था।
तो जिन्होंने फॉर्मेट बना लिया है वो एक बार रिवाइज कर लें कि लास्ट क्लास में वेटेड एवरेज में हमने क्या सीखा था। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें वेटेड एवरेज से हमारा स्टॉक लेजर। तो स्टार्ट करेंगे हम, सीक्वेंस हमारी डेट वाइज रहेगी। सबसे पहले दिसंबर 4 बहुत ही सिंपल है, सिंगल लॉट है हमारे पास, तो बेहद आसान है, कुछ खास हमें इसमें नहीं करना। सिमिलरली दिसंबर 5 अगेन वेरी इजी, कुछ खास नहीं करना इसमें। फिर उसके बाद दिसंबर 10 से थोड़ा सा हमें दिखना शुरू होगा वेटेड एवरेज में क्या डिफरेंस आता है। हमने खरीदी 400 यूनिट्स 55 के रेट पर। अब देखो, जब हम लिखेंगे बैलेंस, तो वेटेड एवरेज मेथड में लॉट्स का कोई सिस्टम नहीं होता। वेटेड एवरेज लॉट्स को तो फिनिश कर देता है, वो तो बोलता है सारे लॉट्स मिला लो और एक प्राइस निकाल लो। तो जब हम वेटेड एवरेज से बैलेंस लिखेंगे तो बैलेंस हम लिखेंगे 800 यूनिट्स। अब यहाँ पे लॉट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जैसे आप एवरेज के अंदर आते हो, लॉट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। जब आप फीफो में होते हो, लीफो में होते हो, तो लॉट्स मैटर करते हैं। वेटेड एवरेज में अब ये बात खत्म हो गई कि 400 का ये था, 400 का ये था। वेटेड में हम लिखेंगे टोटल मेरे पास स्टॉक में है 800 यूनिट्स। लेकिन अब इन 800 यूनिट को हम 50 रुपये पे लिखेंगे या फिर हम 55 रुपए पे लिखेंगे? तो देखो, ना तो हम 50 पे लिखेंगे ना 55 पे लिखेंगे, हम लिखेंगे वेटेड एवरेज प्राइस पर। वेटेड एवरेज प्राइस अब मैं जब इस स्टेज पर निकालूंगी तो कैसे निकालेंगे? तो हमारा वेटेड एवरेज प्राइस कुछ ऐसे निकलना था, समेशन ऑफ प्राइस इंटू में क्वांटिटी अपॉन में समेशन ऑफ क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब प्राइस इंटू में क्वांटिटी, कितने लॉट्स हैं? 2 लॉट्स हैं। तो भाई देखो, प्राइस हमारा 400 इंटू में 50, एक लॉट तो ये रहा। दूसरा लॉट हमारा 400 का 55 के प्राइस पर। ये किया हमने समेशन प्राइस इंटू में क्वांटिटी। डिवाइड करेंगे इसको हम टोटल क्वांटिटी से, टोटल क्वांटिटी हो गई 800। जिस दिन का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां तक के लॉट देखेंगे। तो हम दिसंबर 10 को देख रहे हैं तो 2 ही लॉट हैं, 450 रुपीज़ पर, 455 रुपीज़ पर।
तो अब यहाँ से आपका वेटेड एवरेज प्राइस आएगा और ये आप लोग मुझे बता रहे हो 52.5। यस करेक्ट, ये हमारा वेटेड एवरेज प्राइस है 52.5। और ये हमारी इन्वेंट्री 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 52.5, 42,000 रुपीस पर। फिर आगे चलते हैं दिसंबर 11। मैंने और सामान खरीदा, थ्री हंड्रेड यूनिट्स 55 के रेट पर 16,500। मैंने सामान कोई इश्यू नहीं करा। अब मेरे पास जो मेरी बैलेंस इन्वेंट्री बची है वो हो जाती है 1100 यूनिट्स, 800 प्लस 300, 1100। किस प्राइस पर? वेटेड एवरेज प्राइस पर। तो अंशिका ने फटाफट आंसर दिया है 53.18। तो अभी चेक कर लेते हैं। अब फिर से निकालना है वेटेड एवरेज प्राइस। अब क्या करेंगे हम, हमें इनिशियली पूरे पुराने सारे लॉट पे जाने की जरूरत नहीं है, हमने जो लास्ट वाला बैलेंस लिया है ना वहां से स्टार्ट करेंगे। 800 इंटू 52.5 लास्ट बैलेंस प्लस 355 के रेट पर डिवाइडेड बाय 1100। तो देखो अंशिका ने सबसे पहले आंसर दिया था 53.18, देखिए क्या यही आ रहा है 53.18। यस, प्राप्ति भी कह रही है मैम यही आंसर आ रहा है 53.18। फिर ऐसे ही आगे चले दिसंबर 19, हमने 200 यूनिट्स खरीदी, 60 रुपीस के रेट पे 12,000। फिर हम आ गए इन्वेंट्री पर, इन्वेंट्री हो गई 1300। अब आप लोग निकालो प्राइस, स्पीड से निकाल रहे हो सभी, बहुत ही फटाफट आंसर आ गया है 54.23। एब्सोल्युटली करेक्ट, 1300 54.23 के रेट पर। तो आर्यन, वंशिका, निपुण सभी ने निकाल लिया है। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आया 54.23 तो आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिखकर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब सबने निकाल लिया है 54.23। फिर हम आ गए हैं दिसंबर 20 की सेल्स पर। दिसंबर 20 की सेल पर हमने बेचे हैं 600 यूनिट। वेटेड एवरेज मेथड से अब सेल बहुत इजी है। आपने 600 बेचे, किस प्राइस पर बेचोगे? लेटेस्ट वेटेड एवरेज प्राइस पर, तो 54.23। और अब जब बैलेंस निकालोगे 700, अब ये बहुत आसान है, ये सेम प्राइस पर 54.23। फिर दिसंबर 28 परचेज है हमारी, $847,37,600। अब जैसे ही परचेज हो गई है वैसे ही नया अमाउंट निकलेगा। अब यहां पर बैलेंस आ रहा है 1500 यूनिट्स का। तो देखो वेटेड एवरेज प्राइस चेक करें, अब ये प्राइस हो गया 700 इंटू में 54.23,
प्लस 800 इंटू में 47 डिवाइड किससे करेंगे 1500 से, और ये आप सभी ने करेक्ट कैलकुलेट किया है 50.37। सेवन फाइव फाइव सिक्स टू। फिर हम आगे लास्ट में सेल्स है। सेल के केस में बहुत इजी है, वेटेड एवरेज। हमने सामान बेचा 500 यूनिट। किस रेट पर? लास्ट रेट पर 50.37। बैलेंस चेक करें तो 1000 यूनिट। किस रेट पर? 50.37 के रेट पर। तो ये हमारा आंसर आ गया वेटेड एवरेज मेथड से। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स किस प्राइस पर? ये आ गई वैल्यूड एट 50377। लास्ट क्लास में वेटेड एवरेज पीरियोडिक से सीखा था, ये वेटेड एवरेज है परपेचुअल से। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा वेटेड एवरेज परपेचुअल से कंप्लीट हुआ। अब आप इसको आराम से देखो और अब आप पूछ लो आपके डाउट्स। महक आप कह रहे हो आपके अमाउंट्स डिफरेंट आ रहे हैं। डिफरेंट मतलब? अच्छा, ये 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपी ये डिफरेंस चलेगा क्योंकि हम लोग डेसिमल्स ले रहे हैं ना, तो उससे इतना डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब जैसे हमने दो प्लेसेस लिए ना, तो हो सकता है ये आंसर आपका लास्ट में है। किसी किसी का 50,370 आ रहा हो इंस्टेड ऑफ 77, तो कोई इश्यू नहीं है, आंसर आपका करेक्ट है। ये इतना डिफरेंस आ जाता है जब हम डेसिमल्स में कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो सभी कह रहे हैं कि क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो एक चीज लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मेथड हमारा आता नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड पीरियोडिक सिस्टम में इसकी कैलकुलेशन एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। पीरियोडिक यानी कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अगर उसमें हमसे कहा जाता कैलकुलेट इन्वेंट्री बाय सिंपल एवरेज मेथड, तो हम पहले निकालते सिंपल एवरेज प्राइस। कैसे निकालेंगे हम? जितने प्राइसेस हैं हमारे पास उनका एवरेज। तो हमारे पास जो प्राइसेस आ रहे हैं 50, उसके बाद 55 दो बार, देन 60 एंड देन 47। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्राइसेस से। ठीक है, पांचों प्राइसेस हमने ऐड किए, डिवाइड किया नंबर ऑफ प्राइसेस से, ये आपको मिलेगा आपका सिंपल एवरेज प्राइस। तो आर्यन मुझे बता रहे हैं कि ये प्राइस आ रहा है 53.4। 53.4 हमारा सिंपल एवरेज प्राइस आ रहा है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, ये हमारी 1000 यूनिट्स हैं, तो 1000 यूनिट्स इनटू में 53.4।
तो 53,400 रुपीस इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय सिंपल एवरेज मेथड. तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर सीख रहे हैं हम, और कॉस्ट को डिफरेंट तरीकों से कैसे निकाला जाए वो हम देख रहे हैं. सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फीफो एंड लीफो. ठीक है, तो फिर आज की क्लास हमारी यहीं तक. ठीक है, तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे. थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग.